मॉर्निंग कमला माँ, आप क्या बना रही हैं? गुड मॉर्निंग बेटा, नाश्ते में पोहे बना रही हूँ। यू पोहे? कमला माँ, आपको पता है मुझे पोहे नहीं पसंद। बेटा तुमने कमला के हाथ के पोहे खाए नहीं? आलू कांदा मटर मिर्ची का जब तड़का लगता है कमाल पोहे बनते हैं। मेरी कल्पी को बहुत पसंद है। क्या खुशबू आ रही, बनाओ बनाओ। आई गर्मा गर्म नाश्ता देना आज के। पक्या बेटा, पोहा सिर्फ दो लोगों के लिए है। लेकिन मैं शाम के लिए अच्छा खाना बनाई सबके लिए। हाँ कोई बात नहीं आई, मैं मैनेज कर लूंगा। ऑल कूल। अच्छा सुन, वो कल्पी को जरा मंदिर से ऊपर लेके आ। हाँ आई, मैं जाता हूँ। पक्या पाखी, नाश्ता करा बेटा। खा क्यों नहीं रही पाखी? जल्दी जल्दी खा ले, तुझे घर भी तो जाना है ना। नहीं कमला माँ, मुझे घर नहीं जाना, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ खाना कम पड़ जाएगा ना। ऐसी बात नहीं है पाखी, माँ सबको खाना देगी। तुझे घर इसलिए जाना है क्योंकि घर पे सब परेशान होंगे बेटा। कोई परेशानी नहीं होगी कमला माँ, किसी को तो ये भी नहीं पता कि मैं घर में हूँ या नहीं। आई कल्पी तो नीचे मंदिर में नहीं है। कल्पी नीचे नहीं है तो कहाँ गई? आज पापा जी की बरसी है, याद है ना? भूल गई ना? मुझे पता था कि तुम भूल ही जाओगी। छड़हट। भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अरे मैडम आप टेंशन मत लो, पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, बहुत जरूरी काम है। प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए भैया। मैडम और फास्ट चले तो लेना देना पड़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी श्री साहिल कपूर जी की है और निर्धारित कोर्ट के अनुसार इस पे जो लोग भी रह रहे हैं वो इसे 24 घंटे में खाली कर दें। प्लीज सर, मेरा उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आपको मेरी आंखों में शायद आंसू नहीं दिख रहे क्योंकि मैं रोकर अपनी हार नहीं मानना चाहती। सर राघव सिंघानिया ही है जो हमारे चौल को बचा सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जमीन जहाँ पर हमारा घर है वो राघव सिंघानिया की ही है। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। वैसे किस हद तक जा सकती हो तुम इस लड़ाई में? क्या मतलब है आपका? पुणे तक जा सकती हो। क्या? राघव कुछ काम से पुणे में है और उसके प्रोग्राम के मुताबिक वो कुछ टाइम तक मुंबई में एक्सपेक्टेड नहीं है, तो अगर तुम उससे मिल सकती हो तो उसको जल्दी वापस लेके आओ। क्या आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है राघव को तुम्हारी ये स्पीच सुननी चाहिए। मैं अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके उन्हें सुना दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ज्यादा जरूरी है उनसे बात करना, ना ही कि मेरा टाइम वेस्ट करना। राघव के टाइम से ज्यादा एक्सपेंसिव तुम्हारा टाइम नहीं है। 24 घंटे की मोहलत है आप लोगों के पास, उसके बाद आप लोगों को चौल छोड़ना पड़ेगा। ये कोर्ट का फ्रेश नोटिस है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को चौल और चौल की जमीन 24 घंटे में खाली करनी है, इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। आई अब कुछ तो करना पड़ेगा, एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, राघव सिंघानिया। राघव बाबा,